Hello guys, welcome back to NJ Vlogs, another video. Hope you guys are doing well and safe in your homes. Yes, तो देख रहे हो जैसे कि आप तो शुरुआत यही कर रहा है व्लॉग की. कल तो मेरे बिना कौन करेगा? तू क्यों आया कल? तो बड़ा बोर था, मैं नहीं आ रहा. मेरी मर्जी. मैं अपने फ्रेंड्स भी आए. मैं अपने फोन जब लूंगा मैं अपने फोन से बनाऊंगा एक महीने बाद अपनी वीडियो. तू मेरी मर्जी. तो गाइज ये भी नहीं रह सकता, तो ये खुद ही आया. हमने इसको मनाया नहीं है, इसको हमने नहीं मनाया है. बेस्ती कर रही है मेरी यार. चलो कोई बात नहीं, मेरी बेस्ती तो हर जगह होती रहती है. तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि हम कल कुछ कटिंग्स वगैरह कर रहे थे. मैं तो सो गया था, मेरे को पता भी नहीं था ये क्या कर रहे हैं. मैंने सुबह देखा कि ये कुछ ना कुछ कलाकारी कर रहे हैं. तो वो हम कटिंग जो मंदीप कल फ्लावर्स वगैरह बना रहा था वो हम बेसिकली वॉल को डिजाइन करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए कर रहे थे. हमारी जो ये पीछे की वॉल्स है वो बहुत ज्यादा खाली खाली है, ऑरेंज वॉल्स. तो हम इस पे ड्रॉइंग बनाएंगे कोई अच्छी सी, और पुरानी पुरानी अपनी पिक्चर्स लगाएंगे, फैमिली पिक्चर्स, और अच्छे अच्छे थॉट्स भी कट करके रखे हैं मैंने, और वो भी हम लगाएंगे और सब कुछ आपको दिखाएंगे. तो वीडियो को लास्ट तक देखना हमारी, और बताना हमारी वॉल लास्ट में कैसी लग रही है. हमारी मेहनत वो तो दिखाएंगे अभी आपको व्लॉग के अंदर कि हम कैसे बना रहे हैं कैसे नहीं. वैसे थोड़ा बहुत सोचा कि उधर करना गया. मैंने सोचा हुआ है, वो देखेंगे तो बताएंगे ना. नहीं मेरे को तो थोड़ा बता ना क्या करेंगे. वो ट्रीज बना के, ट्रीज की स्टेम बना के. स्टेम कैसे बनाएगी? ट्री पेंट से. पेंट करेगी? हाँ. पेंट करेगी. और क्या? पेंटर, मेरे को शक्ल से पेंटर लग रही है. चल जा तू पेंटिंग करो, बाकी मैं किसी को पेंट कर रहा है. पेंटर शक्ल से भी पेंटर ही है ये. मंदीप भाई कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा गम में बेचारा गिर गया, बहुत जोर से गिरा है. वो भी लियो की वजह से, लियो इसके ऊपर चढ़ गया था. जंप कर दी थी लियो ने. लियो ने जंप कर दी थी और इसका बैलेंस बिगड़ गया. तो अब हम करेंगे वीडियो का शुरू. ये भी नाप ले रहे हैं, ये नाप ले रही है पेंटर जी. नाप ले रहे कितना पेंट कर गया, क्या कर गया पेंटर. ये वाली वॉल तो पूरी दिखेगी. सो पूरी यहाँ से लेके स्टैम इधर. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो. आंटी ओ आंटी पेंटर साहब सॉरी, ठेकेदार साहब. ठेकेदार क्या हुआ? पैसे पूरे मिलेंगे, टेंशन मत लो. एडवांस ले लो मैडम. कितने दे एडवांस बताओ, आपका रेट क्या है? 150. ढाई करोड़. ओ 350. भाई साहब 2.5 करोड़ इकट्ठे का भी देखे हैं भाई. इतना गंदा जो लेम जो, ये तो 9 लाख चैलेंज लड़की को. यूट्यूब पे इसके 150 सब्सक्राइबर्स और ये झाड़ू मार रही है. झाड़ू मार रही है बेटा. राम ठेकेदार, गंद तो हटाना है ना. हाँ तो हमने तो तेरे को हटाया नहीं है, सबसे बड़ी गंद तो तू है बेटे. अच्छे से बेटे वहां पे. नहीं काम तो मेरे बस की नहीं है यार, यही करेगी है ठेकेदार. ले ऑरेंज कलर, अभी इतने इसने इतना ही बनाया और अभी कर रही है. और अभी हम चाय पी रहे थे, चाय ब्रेक. नशा कर रही थी जसलीन, नशा कर रही थी. पहले पेंसिल से ड्रॉ करो बेटे. आप प्रोफेशनल्स को मत सिखाओ. चलो तुम करो. एक्सीलेंट. क्या है वीडियो बनाने के काबिल हो? जरा सारी मेहनत मेरी है. खा खा के तुम सिर्फ बन गए हो गुब्बारे. और वो वहाँ पे चला रहा है लैपटॉप. मैं गुब्बारा बन गई हूँ मानती हूँ, पर काम तो मैं कर रही हूँ. पहली बार कर रही है जिंदगी में. कभी रोटी बनाई है? कभी रोटी बनाई है मम्मी के साथ? जितना मर्जी वो कुछ भी. आर्ट तो करने में तेरा दिल लग रहा है, रोटी बना के दिखाना तब मानू तेरे को. भाई कमर टूट रही है, आर्ट करने में दिल लग रहा है. एक बार फिर करके दिखाइयो. आर्ट करने में दिल लग रहा है. 20 रुपए का और. हाँ जी भाई साहब, टेप ले लो. टेप से पत्तियां चिपका रहे हैं. भालू कितनी देर लगेगी? आई एम नॉट भालू. मैनमेड ट्री. भालू मेड ट्री. ऑक्सीजन मिलेगी अब सबको घर में. तो वैसे तो मिलती नहीं थी जैसे. और मिलेगी एक्स्ट्रा, किसी को चाहिए हो तो ले जा लेता है यहाँ से. साइज के हिसाब से है मदीप, साइज के हिसाब से तो ज्यादा जरूरत इसी को ही है.
सो गाइज आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ क्योंकि ये जो सारा किया धरा है ये सिर्फ मेरा है और ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी, गरीब को कुछ चाहिए खाने के लिए, तो फिर उसके बाद फिर से कंटिन्यू करूंगी क्योंकि अभी वो वाली वॉल रहती है उस पर भी सेम ऐसे ही करूंगी। अभी इस पर पिक्चर्स वगैरह लगेंगी, अभी भी ये फाइनल नहीं है, इस पर पिक्चर्स लगेंगी और सामने वाली वॉल वो जो आप देख रहे हो उस पर थॉट्स वगैरह लगाने हैं, तो पहले वो लगा दूंगी फिर दूसरी वॉल को शुरू करूंगी। सो दिखाएंगे फिर आपको। ओ, हमारी एक साइड तो डन हो गई है, मतलब इसमें फाइनल टचेस रह गए हैं सिर्फ, देखो आप, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन है। इसका क्लियर व्यू मैं लास्ट में दूंगी पूरे रूम का जस्ट जब ये हो जाएगा। अभी फिलहाल वो वाली वॉल पे थॉट्स लगा रहे हैं और जो ये वाली ऑपोजिट वॉल है इसके, ये हम कल करेंगे। अभी हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, रात के 10 बज चुके हैं हमें करते करते, हम शाम से लगे हुए हैं और कल फिर करेंगे। और नेक्स्ट डे हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज है नेक्स्ट डे हमारी जो हम कलाकारी कर रहे थे उसका, और मैं तो पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे बस की नहीं होती ये चीज़ें, ये मिस्त्री जी ही कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों क्या कर रहे हैं, देखोगे मेरे जाने के बाद इन्होंने बहुत कुछ कर दिया भाई। ए मिस्त्री भैया, तुम तो बहुत हैवी ड्राइवर हो यार, तुमने तो बढ़िया कर दिया यार। ये तो वो अगली बॉल कब होगी? आज ही हो जाएगी। आ जाएगी। आप कौन हो वैसे? मनदीप सिंह वाला। नहीं, इसके चेले हो? नहीं। चेले लग रहे हो, हमने तो मिस्त्री जी से पूछा था। ठेकेदार है ये? ठेकेदार काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। अच्छा, सीख रहे हो अभी भाई, कलाकारी देखो लड़की की। चाय पियोगे? चाय तो बिल्कुल भी है। चलो हम चाय, मैं इनके लिए लेके आता हूँ चाय। मिस्त्री जी आ जाओ, चाय बन गई ये बड़ी। आओ, ठंडी होगी दोबारा, गर्म नहीं होगी। ये क्या बना दिया ग्रे ग्रे पत्थर? ये तो एंड में ही पता लग गया पत्थर है क्या है। चलो मिलते हैं अब चाय पी के, और फाइनल टच जसलीन का फाइनल टच देख लो अब। फाइनल टच आता जाता कुछ है नहीं, फाइनल टच देंगे ये। तो गाइज ये सर्जरी करने के लिए तैयार है, किसी को करवानी है अपनी सर्जरी तो करवा सकता है। तू है ही बारबी, मेरे को डाउट था पहले से ही। ही इज अ बारबी लवर। अबे यार सब कुछ सही जा रहा था लेकिन एक दुर्घटना घट गई जिसकी वजह से दीवार की हालत देखो। पहले ये दीवार बिल्कुल ऐसी थी और अब ये बिल्कुल ऐसे लग रही है। ये मिस्त्री जी हमने सस्ते वाले बुला लिए और इन्होंने काम खराब कर दिया हमारी दीवार का। तो कुछ कहना चाहोगे आप? आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो एक पड़ेगी मुंह पे। गजब बेइज्जती है यार। चला अब ना ब्रांड का समलाई नहीं, अब समलाई कह रहा हूँ, समलाई नहीं निकली, समलाई अच्छी लग रही है, बहुत बड़ी मस्त। टू वर्क कर दे एक बार इधर देख के। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसको लग रहा है कि मैं इसको मार रही हूं और हम इसको हटा रहे हैं ताकि हम थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर पाए। इसको मार थोड़ी नहीं हूं। चल वो देख, वो देख उसको, उसको मार थोड़ी नहीं हूं, मार तोड़ना रहे उसको। ये देख, ये देख मैं इधर। तो गाइस अब हम अपने चार की पहन रखा है तुझे पता होगा। तो अभी हम आपको चार दिनों की हमारी मेहनत दिखाएंगे जो हमने इस रूम में करी है। 4 days लगने नहीं थे भाई, पता है हमारी आलस के चक्कर में ना, मतलब इतना ज्यादा, पहले दिन तो मैं बहुत ज्यादा थक गई। हाँ, दूसरे दिन मैंने कोई काम नहीं किया इसी चक्कर में क्योंकि बहुत ज्यादा पैर दर्द होने लगे थे। वो इसने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि सारा काम मैंने कर लिया था। पड़ेगी सारा काम गाइस, सारा काम मैंने करा है, इसके बस का कुछ था नहीं तो मैं ही सारा वीडियो में देख के बताना। मैं सारा सामान लेकर आया, सारी कटिंग करी। गाइस वीडियो में देख के बताना। हाँ, जनता देख रही है, जनता देख रही है, देख रही है मेरे को कितनी मेहनत करी है मैंने।
जनता देख लेगी वीडियो देखे कि किसने ज्यादा मेहनत करी है। सो हम अब इनको दिखाते हैं कि हमने एक्चुअली में बनाया क्या है। This is our room. हमने इसको बहुत अच्छे से बना दिया है, मतलब हमने अपने जो thoughts है ना वो भी लिख दिए। Thoughts लिखे हैं, thoughts आप देखो क्या thoughts लिखे हैं। उसपे लिखा है the only difference between a good day and a bad day is your attitude. तो भाई ये तो सच ही लिखा है बिल्कुल। ये सारे quotes एक्चुअली में मम्मा ने निकाले और बीच वाला देखो इसमें लिखा है mother is queen of every house. और डैड के लिए भी हमने लिखा है, के लिए हमने लिखा है डिवोटेड एंड डेडिकेटेड। तो ये डैड इज ऑलवेज डिवोटेड एंड डेडिकेटेड। तो ये स्लोगन्स आप रीड करना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसे के लगे हैं। मतलब लिखे तो सबने अच्छे ही लग रहे हैं, मेरे को भी बहुत अच्छे लगे हैं। जब मैंने ये वाला थॉट पढ़ा मेरा पर्सनल फेवरेट ये वाला लगा, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, पर्सनल। एंड दिस ये वाला तो सब अग्री करेंगे मेरे को लगता है। इसमें लिखा है द बिगेस्ट डिजीज व्हाट पीपल से, लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा एक वो। ओ भाई तू चुप रह, तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है हमारे व्यूअर्स। अच्छा लगता है मुझे, आई लाइक इट यू नो। योर स्माइल इज द बेस्ट वेपन टू किल हेटर्स एंड आई ऑलवेज स्माइल ब्रो। चलो सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना हमारी चार दिन की मेहनत, हमारी क्रिएटिविटी में से आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी हमें सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में कि हम कौन से व्लॉग डालें, डेली व्लॉग डालें या चैलेंज व्लॉगिंग, ये आप हमें बताना कमेंट बॉक्स में। ये भी बता देना, इस चीज की सजेशन भी हमें दे देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे होम, बाय।